नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिवेंद्र कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, 15 प्रस्तावों पर लगी मोहर। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। देहरादून में सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया। सीएम त्रिवेंद्र ने देहरादून में पुरुकुल गांव में रखी सैनिक धाम की आधारशिला। विकासनगर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की हुई शुरुआत। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने राशन उपभोक्ताओं को डिजिटल किया राशन कार्ड का वितरण। ऋषिकेश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा फहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। नैनीताल की सूखाताल झील को पुनर्जीवित करने के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को लेकर बैठक। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयांकी ने रिपोर्ट का लिया जायजा। 151 साल का हुआ रानीखेत, जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित किया गया 2 दिवसीय उत्सव। सांसद चमटा ने दीप जलाकर किया शुभारंभ का शुरुआत। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते, जहां बजट से पहले हलवा सेरेमनी हो रही है, वो देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित हैं यहां पर। ये काफी पुरानी परंपरा है बजट सत्र से पहले हलवा सेरेमनी की। को बकायदा सबको, अब जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वित्त मंत्रालय जितने जुड़े अधिकारी हैं, उन सबको हलवा वितरित किया जा रहा है, जिसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं। ये बजट से पहले हलवा सेरेमनी की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं के न्यूज पर। काफी पुरानी परंपरा है जिस बजट सत्र से पहले लगातार हलवा बनता है, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने जुड़े अधिकारी होते हैं वित्त मंत्रालय से, दिल्ली में 26 जनवरी को किसान तिरंगा परेड में शामिल होने के लिए शनिवार को उत्तराखंड से हजारों किसान रवाना हो गए। शनिवार को ट्रैक्टर ट्रॉलियों और कारों में सवार होकर उधम सिंह नगर के किसान दिल्ली के लिए निकले हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक और प्रदर्शन भी हुआ, झड़प भी हुई, रोड जाम भी हुआ, लंबा जाम लगा, उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं किसान। तो किसानों का दिल्ली कूच कर चुके हैं। अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालनी है, उसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क था, लेकिन फिर भी किसान एक बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। देहरादून में नेता सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस की पराक्रम दिवस के तौर पर प्रदेश सरकार सैन्य धाम का शिलान्यास कर मनाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्य धाम की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के परिजनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। यह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सैन्य धाम के लिए हर शहीद सैनिक के परिवार के घर के आंगन की मिट्टी लाई जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि सब आप लोगों को पता है कि उन्होंने पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम की संज्ञा उत्तराखंड को दी थी, और प्रधानमंत्री जी के
उसी कंसेप्ट के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया और आज सैन्य धाम का इस बहुत ही खूबसूरत जगह पर आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। हमने आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है उत्तराखंड के पंचम धाम का, ये सैन्य धाम के नाम से। ये प्रधानमंत्री साहब की एक कल्पना थी जो उन्होंने अपनी एक उत्तराखंड के विजिट में कन्वे की थी और आज मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही उम्दा जगह पर ये जमीन दिलवाकर इसकी पंचम धाम की शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 जनवरी से जिलों में प्रवास करेंगे। हालांकि अपना पहला उनका यह कार्यक्रम 28 दिसंबर से प्रस्तावित था लेकिन कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण इसमें विलंब हुआ। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले माह उत्तराखंड प्रवास के दौरान सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में प्रवास के निर्देश दिए थे। इस क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी 28 दिसंबर से जिलों में प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित था लेकिन इस बीच वह कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। इसके चलते 26 दिसंबर को प्रस्तावित भाजपा की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक भी टल गई। हालांकि विकास नगर में राष्ट्र को समर्पित एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन वितरित किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं इस कार्यक्रम में विकास नगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू सहित खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। एक देश एक राशन कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक देशव्यापी अभियान है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस प्रकार का एक डिजिटल राशन कार्ड जिसको पूरे देश में कहीं पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है, उपभोक्ता कहीं से भी अपना राशन ले सकता है, इस प्रकार के एक कैंप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में किया। उधम सिंह नगर के गदरपुर में बीते दिनों चेकिंग के दौरान बिजली विभाग की टीम को बंधक बनाकर अभद्रता करने के मामले में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें यह प्रदर्शन पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी न करने से गुस्साए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। आपको बता दें कि 16 जनवरी को बिजली विभाग की टीम द्वारा गदरपुर क्षेत्र में बिजली चोरी को लेकर छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान बिजली विभाग की टीम को पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अशफाक हुसैन सहित 6 लोगों ने बंधक बनाकर टीम के साथ अभद्रता की, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा 6 लोगों के खिलाफ गदरपुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। जो गुंडागर्दी हुई है, हमारे साथ जो मारपीट हुई है, हमें जो बंधक बनाया गया है, ये हमारा उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन मात्र है। हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारी गिनती फ्रंट लाइन वॉरियर्स में होती है। हमने लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन से बेहतरीन विद्युत व्यवस्था दी है पब्लिक को और हम आज भी देना चाहते हैं, लेकिन जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अभियान है जिसको सरकार के निर्देशों पर चलाया जा रहा है और हमारे साथी जो क्षेत्र में गए, उन्होंने बिजली चोरी पकड़ी और बिजली चोरी पकड़ने के बाद जब वहाँ के लोग जिनके घर में बिजली चोरी पकड़ी गई वो आए। भाजपुर से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है। वहीं सरकार और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच चल रही वार्ता का कोई हल ना निकलने पर किसानों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते बाजपुर में हजारों किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए।
संयुक्त किसान मोर्चे की किसानों को अपील थी पूरे देश भर में कि एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी दिल्ली में, तो मैं समझ रहा हूँ हिंदुस्तान के हर किसान के घर से एक एक ट्रैक्टर दिल्ली पहुँच रहा है। और हम लोग बाजपुर उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर पीछे 25 दिसंबर को सरकार ने किसानों को रोकने की कोशिश करी थी जिसमें नाकाम हो गई। आज उसी बॉर्डर पे हम खड़े हैं और इस बार प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर लिए क्योंकि प्रशासन समझ गया है भी किसान रुकने वाला नहीं है। ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो रैली है बिल्कुल शांतमयी जाएगी और दिल्ली में जाके परेड में शामिल होगी। वहाँ टैंक परेड करेंगे, हमारे ट्रैक्टर वहाँ पर परेड करेंगे। उत्तराखंड से हजारों की तादाद में जो है ट्रैक्टर ट्राली जा रही हैं, कारें भी जा रही हैं, जीपें भी जा रही हैं और पूरा किसानों में उत्साह है। ये दिल्ली फतेह करके ही आएंगे। अब वहाँ वो हम परेड निकालेंगे, ठीक है, 26 जनवरी को। हम सब काश्तकार लोग जो यहाँ से ट्रैक्टर लेके वहाँ दिल्ली कूच कर रहे हैं और ये हमें बाहर से विदेश से हमारे जीआई सरदार दलजीत सिंह मान और उनके ब्रदर शमशेर सिंह मान उनकी तरफ से हमें डीजल का जो है पूरा गाड़ियों में ट्रैक्टरों में जो भी सुविधा है वो यहाँ से मिली हुई है। निःशुल्क तेल है, कोई पैसा नहीं, कोई किसी पैसा नहीं लिया जाएगा। जितने ट्रैक्टर होगा 100, 200, 300 टैंकी फुल दी जा रही है उसको, यहाँ से जाने का और आने का भी तेल। रुड़की के मुलदासपुर माजरा गांव में राशन डीलर के चुनाव को लेकर ग्रामीणों में जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ खाद्य पूर्ति विभाग की टीम भी मौजूद रही। दरअसल कुछ समय पहले गांव के राशन कार्ड डीलर की मौत हो गई थी जिसके बाद राशन का कोटा पास करने के लिए एक गांव के राशन डीलर के यहां अटैच कर दिया गया था। मृतक राशन डीलर के परिजन चुनाव कराने से मना कर रहे थे लेकिन कुछ ग्रामीण चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आज गांव में राशन डीलर का चुनाव कराने को लेकर बैठक होनी थी। वहीं मृतक राशन डीलर के परिजनों ने अपना हक बताते हुए राशन कोटा अपने नाम करने की मांग की है। सबसे बढ़िया कोटा बनता, कोई नहीं बांटने का। अच्छा, और क्या मेरा हक? कोई सरकारी आदमी कोई मर जाएगा तो किसका हक होगा? उसकी वाइफ का होगा तो मतलब पता होगा। अभी जाके करोड़ा कर दे, क्या कर रहे जानू बताओ वाला। हम जो है आज मूलदासपुर में जो है सहकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की जो यहाँ चयन पर विचार करने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। क्या निर्णय से लिया गया है अभी चुनाव? अभी तक निर्णय यह है कि अभी तक तो हमने जो है जो भी संबंधित ग्राम सभा के जो सदस्य हैं सभी लोग उपस्थित हुए हैं, उनकी जो है हमने उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन जो है जो यहाँ ग्राम प्रधान हैं उनके पति की अभी मृत्यु हुई है तो वो अभी आने में अभी असमर्थ हैं। रुड़की ब्लॉक के मुलदासपुर माजरा ग्राम में राशन डीलर के चुनाव में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि राशन डीलर की मौत के बाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा था जिसके बाद मृतक की पत्नी ने दबंग ग्रामीणों पर मनमानी कर परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं गांव में पहुंचा प्रशासन व खाद्य पूर्ति विभाग की टीम के आगे ग्रामीणों ने नारेबाजी करने शुरू कर दी। मृतक डीलर के आश्रितों ने अपना हक जताकर चुनाव न कराने की बात कही। बीडीओ ने चयन पर विचार करने की बात कह सर्वसम्मति से चयन का आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यवस्था संभाल ली। रानीखेत के 151 वर्ष पूरे होने पर जिला प्रशासन की तरफ से 2 दिन के उत्सव का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ सांसद अजय टमटा व संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान रंगारंग संस्कृति कार्यक्रमों में भी आयोजन किया गया। 2 दिन के उत्सव में साइकिलिंग, मैराथन, बर्ड वॉचिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कुमाऊं रेजिमेंट के बैंड ने मधुर धुन बजाकर सबका मन मोह लिया। सांसद व संयुक्त मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल प्रतिभागियों को रवाना किया। कैंट एरिया के आर्मी मूल प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ का जो मेल मिलाप है, आपस में लोगों का सहयोग है, ऐसे रानीखेत के 151 वर्षगांठ के अवसर पर आए हैं जिसमें प्रशासन के माध्यम से कोविड होने के कारण से 2 दिन का कार्यक्रम किया है जिसमें स्पोर्ट्स की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर को हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और जनता को इस कठिनाई के समय में भी जीने के लिए, जीवन को और अच्छा निकालने के लिए हर प्रकार की एक्टिविटीज को करने का लक्ष्य हमारे यहाँ पर लिया है। यहाँ की जनता ने, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए।
खबरों का सारथी। खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप जरूर लगते हैं कि धांधली हो रही है। इतने लोगों को रोजगार देते हैं लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स जितने उनको टाइट भी किया हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऋषिकेश के मुनि की रेती में आज नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष मुनि की रेती रोशन रतूड़ी द्वारा बताया गया कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, मेजर ध्यानचंद, राष्ट्रीय पक्षी मोर और बाघ की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है, जिससे लोगों को आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जान पाए। सुभाष जी तो हमारे दिलों की धड़कन है, क्योंकि यूथ के तो बहुत बड़े आइकॉन है और पिछले 97 से तो हम सुभाष जी के बड़े फैन है। जब से हमने अब मतलब हो संभाला है और यूथ में रहे, हम क्रेजी फेडरेशन के सदस्य भी रहे हैं उस समय से और आज तक भी हैं, तो भारत सरकार का तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ आदरणीय मोदी जी का, कि जिन्होंने जो है इस एक नई पहचान दी है सुभाष जयंती को, कि इन्होंने पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाने का काम किया है और पूरा देश इन्हें पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर सीमांत खटीमा में स्कूली बच्चों के बीच जिले के सीनियर सिविल जज व विधिक शिविर के सचिव द्वारा नशा मुक्ति संकल्प को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शिरकत कर बच्चों को विधिवत शिविर के चार संकल्पों के बारे में जागरूक किया। आयोजित विधिवत शिविर में संकल्प नशा मुक्ति, देवमूर्ति, स्थायी लोक अदालत की भूमिका जैसी जानकारी को महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया। तो वहीं सीनियर जिला सिविल जज अविनाश श्रीवास्तव जी ने वर्तमान में नशे की ओर बढ़ रहे युवाओं को लेकर नशा मुक्ति को लेकर स्कूली बच्चों से संवाद कर जागरूक कार्यक्रम किया गया। आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए स्कूली बच्चों ने भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सराहना की। राम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे जनपद उधम सिंह नगर में माह जनवरी में आयोजित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में सितंबर 2019 में एक कैंपेन की शुरुआत की गई थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड ने इसका विमोचन किया था, जिसका नाम संकल्प नशा मुक्त देवभूमि स्कीम रखी गई थी। उसी स्कीम के तहत पूरे जनपद उधम सिंह नगर में, पूरे राज्य में, हर जिले में, देश के दूर दराज क्षेत्रों में और राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में, उन लोगों के बीच जो नशे के संजाल में फंसे हुए हैं, उनको इस नशे के संजाल से बाहर निकालने के लिए ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मुहिम है। ग्राम वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड एक्चुअली। जो शिविर हमने उससे नॉलेज मिली, ऐसी नॉलेज आजकल नहीं मिल पाती है बच्चों एक्चुअली। लॉकडाउन के बाद हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत बच्चे डिप्रेशन में गए हैं और रॉन्ग स्टेप भी उन्होंने लिए हैं। मैंगलोर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने गुड़ मंडी का औचक निरीक्षण किया।
बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को शिकायत मिली थी कि मैंगलोर गुड़ मंडी में बच्चों से काम कराया जाता है। वहीं अचानक पहुंची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को देखकर कई दुकानों पर काम कर रहे बच्चे भाग निकले और इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को चेतावनी दी यदि बच्चों से काम कराया जाएगा तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चीज को लेकर भी लगातार विजिलेंस बनाए के रखा जाता है, सर्वेलेंस रखा जाता है कि कहीं पर भी चाइल्ड लेबर का एम्प्लॉयमेंट ना हो, और अगर इस प्रकार का कुछ भी यहाँ पर पाया जाता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी सभी दुकानदारों को इसी संबंध में हमने चेतावनी दी। नैनीताल का सूख ताल झील को पुनर्जीवित करने के लिए 26 करोड़ का प्रोजेक्ट को लेकर जिला विकास प्राधिकरण सभागार में कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयांकी ने बैठक की। कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों ने झील को पुनर्जीवित करने के साथ साथ रिचार्ज जोन को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि सूखा ताल झील नैनी झील की रिचार्ज जोन है, लेकिन पिछले कई सालों से यह झील बदहाल है। अब राज्य सरकार द्वारा सूखा ताल झील को पुनर्जीवित करने की योजना है। चिन्हित किया था कुछ महीने पहले कि हम सूखा ताल के रिवाइवल के लिए, उनके पुनर्जीवन के लिए काम करेंगे और यहाँ पे फांसी के दायरे में एक पार्किंग डेवलप करेंगे ताकि इस इलाके में जहाँ स्कूल्स ऑफिसेज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पार्किंग की दिक्कत हो जाती है, ट्रैफिक की दिक्कत हो जाती है, तो पार्किंग के साथ एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाएंगे तो उसको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, आर्किटेक्ट को अलग अलग काम दिए थे, जिसको आज हमने रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस है, इसमें इंटर डिपार्टमेंटल सहयोग किन किन चीज़ों में चाहिए, किसका इनपुट कैसे मिलना है। तो आज हमने टाइमलाइन तय किया है कि 31 जनवरी तक जो आज बात हुई है, जो भी छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उनको हम 31 जनवरी तक पूरा कर लें। खबर सितारगंज से, जहां 3 किसान विरोधी बिलों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में आहू ट्रैक्टर परेड को लेकर हुई कोतवाल बैठक में किसानों ने व्यवस्था बनाए रखने की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा की गई थी, जिसमें SSP देवेंद्र पिंचा ने कहा था कि किसान ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी असामाजिक तत्व की घुसपैठ ना हो सके। इसको लेकर कोतवाली पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखाई थी और सितारगंज के हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कोतवाल सलाहुद्दीन खान ने बताया कि कल किसान के साथ 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर बैठक ASP द्वारा ली गई थी, उसी को लेकर सितारगंज क्षेत्र में किसानों की रैली में जाने से रोकने तथा क्षेत्र में ही रैली निकालने को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया था, क्योंकि दिल्ली में 26 जनवरी को पता नहीं क्या माहौल होगा, किसानों को समझाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए KNews India। नमस्कार।